हाय गाइज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज आज कोई व्लॉग नहीं डाल रहा हूँ मैं, या फिर कोई मॉडिफिकेशन के ऊपर वीडियो नहीं है आज। आज है पूरा वीडियो कम्प्लीटली ऑन पुलवामा अटैक्स 2019 जो हुआ JNK पुलवामा में। गाइज एक्चुअली सीरियस था कि हम लोग एक मेले का एक फेयर का हम लोग व्लॉग अपलोड करने वाले थे, पर वो व्लॉग ये सब चीज़ की वजह से हम लोग ने रोक दिया, क्योंकि अभी बराबर नहीं लगता है वो व्लॉग अपलोड करना अभी ये सिचुएशन पे जहाँ पे हमारा पूरा कंट्री, हमारी पूरी कंट्री ये सब फेस कर रही है। और ऊपर से दो चार वीडियोज़ भी आने वाले थे मेरे मॉडिफिकेशन के ऊपर, तो इसीलिए मैंने सोचा जाने दो, अभी वीडियो डालने का सही टाइम नहीं है, क्योंकि नेशन पूरा सफ़र कर रहा है ये दर्द से कि कैसे हमारे 40 से ऊपर जवान मर गए। और गाइस मुझे ये भी पता है कि हमारे अंदर उतना ही गुस्सा है जितना हर एक हिंदुस्तानी में होना चाहिए। हमारी कंट्री ऐसी भी कंट्री नहीं है जो किसी पर भी ऐसे हमला कर दें, क्योंकि हमारी कंट्री बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। और एक ऐसी भी कंट्री नहीं जो ऐसे कावर्डली अटैक करें, मतलब एक गाड़ी लेकर आ गए उसमें 250 किलो RDX एंड 150 किलो RDX बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजन प्रोड्यूस कर सकता है गाइस, कम से कम एक बहुत बड़े ग्राउंड को तो आराम से एक्सप्लोड कर सकता है। बात तो सुन के उनके फैमिली को भी बहुत बड़ा धक्का पड़ा होगा कि उन लोग की बॉडीज जो है ना वो भी प्रॉपरली नहीं मिली है। सो गाइस ऐसा कभी हुआ नहीं कि हमारे कंट्री ने सबसे पहले अटैक किया सामने वाले कंट्री पे, या फिर कुछ भी ऐसे कॉवर्डली अटैक किया, हमेशा सामने से ही अटैक हुआ हमारे कंट्री पे। पर हर टाइम सब लोग समझते हैं ऐसे कि कोई भी आके हम पे अटैक करके चला जाएगा, हम पहले अटैक करते नहीं, इसलिए ऐसी बात नहीं, हम वापस रिटेलिएट नहीं कर सकते उस पर। इस बार हमारा भी चांस है, इस बार रिवेंज तो होगा ही हमारी गवर्नमेंट पे, हमारे सब पूरा जो पॉलिटिशियंस है सारी गवर्नमेंट है उन पे भरोसा रखना चाहिए, वो लोग अच्छे तरीके से रिवेंज लेंगे ही। ऐसे बहुत सारे फेक न्यूज़ भी प्रोड्यूस हो रहे हैं, ऐसे बहुत सारे कांग्रेस वाले भी है जो मतलब बोल रहे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें शांति से बात करना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे भी बोल रहे कि हमें शांति से बात करना चाहिए। क्या ये आप ही सोच के देखो, एक आदमी अगर आपके सामने AK-47 लेके खड़ा है और आप उससे बात करके मामला सुलझा पाओगे? और ये ऐसे पहली बार नहीं हुआ, बहुत टाइम हो चुका है ये बातें। 40 से ज़्यादा CRPF के सोल्जर्स हमारे यहाँ पे डेड हो गए, शहीद हो गए, तो उन लोग की मौत व्यर्थ तो नहीं जाएगी, गवर्नमेंट इसका रिवेंज बराबर से लेगी, आर्म फोर्सेस सारे रिवेंज बराबर से लेने वाली है। और गवर्नमेंट ये भी कह रही है कि उन लोगों को 25-25 लाख रुपए उन लोग के घर वाले को डोनेट किया जा रहा है। एक दो जवान लोगों के पिताजी ऐसे भी है जो मीडिया पे आ रहे हैं, नेशनल TV पे आ रहे हैं, और उन लोग बोल रहे हैं कि हमें रिवेंज चाहिए और हम हमारा दूसरा बेटा देने के लिए भी तैयार है। मतलब ये बहुत बड़ी बात होती है गाइस। बोलना चाहूँगा मैं गाइस, ऐसा बहुत सारे मतलब फोटोज़ वीडियोज़ इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे तो बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं। मतलब ये फोटो पे अपना DP लगा लो, ये कर लो, वो कर लो, जूने पुराने कोई भी वीडियो शेयर हो रहे हैं, तो वो सब चीज़ों को पे ज़्यादा आप ध्यान मत दो गाइस। जो जेन्युइन है उसी पे आप ज़्यादा ट्रस्ट करो। आपको बताता हूँ हमारे लेवल पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये सब चीज़ें शेयर मत करो। उसके अलावा एक फंड क्रिएट किया हुआ है PayTM ने, तो वहाँ पे आप जाके डोनेट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि कोई ये वीडियो स्पॉन्सर्ड है या ऐसा है, या फिर आपको अनसब्सक्राइब करना रहेगा चैनल तो कर सकते हो आप। अगर आपको कोई एंटी नेशनल ऐसा कमेंट करना रहेगा, मैं आपके चैनल को अनसब्सक्राइब करो, आपने ये वीडियो मोनेटाइज कर दिया, सबसे पहले जाके अनसब्सक्राइब कर दो। अगर कमेंट करोगे ना तो वैसे हम लोग तुमको ब्लॉक करने। जो CRPF सोल्जर्स को जाने वाले हैं तो PayTM में जाके आप डोनेट कर सकते हो, हम लोग ने भी डोनेट किया हुआ है। और ये वीडियो से जितना भी पैसा आएगा, ये वीडियो को शेयर करो वो भी चलेगा मुझे, ये वीडियो से जितना भी पैसा अर्निंग होगा वो हम लोग सारा डोनेट करने वाले। सो अगर आपके पास पैसा नहीं है डोनेट करने के लिए, इट्स ओके, जस्ट ये वीडियो को शेयर कर दो। मत सोचो कि ये यूट्यूबर ने वीडियो नहीं डाला, इसने वीडियो नहीं डाला, ऐसा ज़रूरी नहीं कि वीडियो डालने के बाद ही हम लोग मतलब देश के ऊपर ज़्यादा प्रेम दिखा रहे हैं, ऐसा कुछ चीज़ें नहीं है। कोई लोग डालते, कोई लोग नहीं डालते, जस्ट ये मैं एक वीडियो डाला ताकि आप अवेयर रहो कि ये सब चीज़ें आपको करना है, ये सब चीज़ें नहीं करना है, और कहाँ पर आपको डोनेट करना चाहिए। सो वही था गाइस आज के इस वीडियो के लिए। आई विल बी एंडिंग माय वीडियो हियर, सो टिल देन बाय बाय। आज कुछ एंडिंग का नहीं होगा, बाय।